नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार सेन नवभारती परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक बार वापस हाजिर हैं लेकर के 12th क्लास सब्जेक्ट BST चैप्टर थर्ड। और चैप्टर थर्ड जो है वो है प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम व्यावसायिक अध्ययन के चैप्टर थर्ड में प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध की जो तकनीक है उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रबंध के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रबंध के सिद्धांत नहीं होते तो प्रबंध में क्या फर्क पड़ता, वो सभी बातें जानेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको बता रखा है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल का मतलब आपको मैंने बताया था सार्वभौमिक। यूनिवर्सल का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, ठीक है। अब तो सार्वभौमिक का मतलब जो सभी जगह पर लागू होती है। अब जो चीज जितनी बड़ी होती है उसका उतना ही बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, उतना ही बड़ा उसका महत्व बन जाता है, ठीक है। अब बात यह करते हैं मैनेजमेंट सार्वभौमिक तो है, ठीक है, लेकिन इस मैनेजमेंट को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, तो मैनेजमेंट को यूनिवर्सिटी के साथ साथ में इसको इफेक्टिव बनाया जाए। कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, तो मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास ट्रेंड मैनेजर होने चाहिए। इफ यू वांट टू इफेक्टिव मैनेजमेंट, दैट शुड बी ट्रेंड मैनेजर्स। मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए आपके पास मैनेजर जो है वो ट्रेंड होने चाहिए। अगर मैनेजर ट्रेंड नहीं होंगे तो मैनेजमेंट कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। अब मैनेजमेंट को इफेक्टिव के लिए ट्रेंड मैनेजर चाहिए, और मैनेजर को ट्रेंड कैसे किया जाए, तो मैनेजर को ट्रेंड करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट इज टेक्निक कि जब भी हम किसी काम को विद टैक्टफुल करते हैं, टेक्निक के साथ करते हैं, तो वो चीज हमारे साथ इफेक्टिव होती है। कोई भी काम हो जहां पर उसमें टेक्नोलॉजी एप्लीकेबल हो जाती है, टेक्नोलॉजी उसमें लागू हो जाती है, तो वो चीज क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। दूसरी चीज है कि मैनेजमेंट जो है उसमें हम लागू करेंगे प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत। जब तक कोई भी काम हम सिद्धांतों के आधार पर नहीं करते, क्योंकि सिद्धांत वो आधारभूत सत्य होते हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं हमारा कि हमें काम कैसे करना है, जो हमें कारण और परिणाम में संबंध स्पष्ट करते हैं, जो सत्यता लिए होते हैं। तो इफेक्टिव बनाने के लिए हमने दो चीजों पर बात की। नंबर वन एक तो टेक्निक्स, नंबर टू इज प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स जब हम इन प्रिंसिपल्स को और टेक्निक्स के साथ में अपनाएंगे हमारे प्रबंधन कार्य में, हमारे मैनेजरियल वर्क में हम इसको जब शामिल करेंगे, तो हमारा मैनेजमेंट क्या बनेगा, इफेक्टिव। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, प्रिंसिपल आर जनरल स्टेटमेंट। प्रबंध क्या होते हैं, तो प्रबंध साधारण सिद्धांत, साधारण स्टेटमेंट है ऑफ ट्रूथ विच गाइडलाइंस टू आवर बिहेवियरल एक्शंस एंड डिसीजंस। ये सिद्धांत जो है ये हमारे बिहेवियर, सिद्धांत जो है ये हमारे बिहेवियर और हमारे जो एक्शन है, हमारा जो डिसीजन है, इनको क्या करते हैं, इनको गाइडलाइन देते हैं, इनका पथ प्रदर्शन करते हैं, ये बताते हैं कि आपको ये काम कैसे करना है। तो प्रबंध के सिद्धांत जो है या प्रिंसिपल्स जो है ये साधारण सत्य बातें होती है, इनमें ट्रूथनेस होती है, और ये हमें हमारे बिहेवियर को कि हमें काम कैसे करना है, हमें एक्शन कैसे करना है, हमें डिसीजन किस बेस पे लेना है, तो हमें डिसीजन लेने का एक आधार प्रदान करता है, एक बेस प्रदान करता है प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हम जो बात कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है एक तो बच्चों फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबल क्यों है, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ये मानवीय व्यवहार पर आधारित है, और मानवीय व्यवहार पर आधारित होने के कारण ये क्या फ्लेक्सिबल बनाए गए, क्यों, क्योंकि मानवीय व्यवहार है, मानवीय व्यवहार भी एक परिवर्तनशील बिंदु है, मानवीय व्यवहार कभी भी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए प्रबंध के सिद्धांत जो है ये भी फ्लेक्सिबल है, ये समय देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। दूसरा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, दीज आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। जहां पर भी
मैनेजमेंट होगा वहां प्रिंसिपल होगा, जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां पर मैनेजमेंट होगा। एवरीवेयर, अफ्रीका, चाइना, इंडिया, भारत, चाहे संस्था कोई सी भी हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, तकनीकी हो, किसी भी संस्था हो, हर संस्था में मैनेजमेंट लागू होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल और जनरल गाइडलाइन, ये 100% हमें रिजल्ट नहीं कह सकते या ऐसे कहें कि 101% गारंटी नहीं देते, बस ओनली हमें सामान्य तौर पर पथ प्रदर्शन करते हैं, ये सामान्य पथ प्रदर्शन के रूप में काम करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि कई बार ये देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में कहूंगा कि फंडामेंटल ट्रूथ कॉल्ड प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है, तो उसको सीधा सटीक बात के रूप में कि फंडामेंटल ट्रूथ जो है उसे हम किसके रूप में जान सकते हैं, उसे हम प्रिंसिपल्स के रूप में जान सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये कारण और परिणाम में संबंध व्यक्त करते हैं, कारण एवं परिणाम, कॉजेज एंड इफेक्टिव्स, कॉजेज एंड रिजल्ट। ये प्रिंसिपल्स जो है ये कारण और परिणाम में संबंध व्यक्त करते हैं। ये सिद्धांत जो है ये सिद्धांत सार्वभौमिकता लिए होते हैं और ये सिद्धांत जो है ये आधारभूत सत्य होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ आधारभूत सत्यता लिए होते हैं। और ये प्रिंसिपल्स जो है ये प्रिंसिपल्स प्रयोगों पर आधारित होते हैं, ये ऐसे ही मनगढ़ंत बातें नहीं होती, ये प्रिंसिपल्स जो बनाए जाते हैं ये प्रिंसिपल्स प्रयोगों पर आधारित होते हैं। ऐसा नहीं कि मन में कोई बात आई और हमने उस बात को प्रिंसिपल के रूप में थोप दिया, नहीं, पहले उसके ऊपर बकायदा रिसर्च होता है, पहले उसके ऊपर एग्जामिन्स होते हैं और उसके बाद में प्रिंसिपल्स तैयार किए जाते हैं, उसके बाद में प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं।